Hello students, myself Dr. Nisha Jain. BSc Part 1 Zoology Practicals के अंदर हम लोग Genetics के Practical कर रहे हैं और इसी segments में आज मैं second practical आपका Genetics का start करने जा रही हूँ. That is Culture of Drosophila, Drosophila का संवर्धन तैयार करना. आपको पता है कि आपके Genetics के अंदर 6 एक्सरसाइज हैं. पहली एक्सरसाइज आपकी लाइफ साइकिल, दूसरी एक्सरसाइज आपकी कल्चर, नेक्स्ट मेल एंड फीमेल आइडेंटिफिकेशन, वाइल्ड एंड म्यूटेंट, परमानेंट प्रिपरेशन ऑफ स्लाइट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स. मैं आपका आज स्टडी ऑफ कल्चर के बारे में डिस्कस करूँगी. ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, जिसको कि हम फल मक्खी भी कहते हैं, जिसको कि हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, वो इस प्रकार से दिखती है. मैंने आपको पहले एक्सपेरिमेंट में बताया है इसके बारे में कि इसकी लाल रंग की आंखें होती हैं, ये इसका हेड है, ये इसका थॉरेक्स है और ये पीछे इसका एब्डोमेन है, ये इसके विंग्स हैं और ये इसके लेग्स हैं, राइट? अगर हम ड्रोसोफिला के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. इसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग दिखते हैं. ये फीमेल है और ये मेल है. मेल छोटा होता है, फीमेल थोड़ी सी बड़ी होती है. इसके अंदर भी हेड में रेड आइज़ हैं, दिस इज़ ऑल्सो हेड. ये येलो कलर का इसका थॉरेक्स है और ये इसका एब्डोमेन है. मेनली 3 पेयर्स ऑफ लेग इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये एंटीना इसके अंदर दिख रहा है. इसके अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो हम थॉरेक्स एब्डोमेन पार्ट को देख के ही करते हैं कि ये मक्खी फल मक्खी मेल है या फीमेल है. वैसे इसके अलावा भी देर आर मैनी पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम बताएंगे कि ये मेल है या फीमेल है, पर मेनली अगर एक बार में देखना है तो हम इसको फटाक से इसका एब्डोमेन देखेंगे. एब्डोमेन के अंदर देखेंगे ये गोल है या तीखा है. अगर ये तीखा है तो ये फीमेल है और अगर ये गोल है तो मेल है. दूसरी बात, अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो हम फटाफट इनके बैंड्स काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. फीमेल है तो 5 बैंड प्रेजेंट है, जबकि मेल है तो 2 और आखिरी वाला तीसरा, मतलब कि चौथा, तीसरा चौथा पांचवा, ये दोनों फ्यूज होके एक बैंड बना देते हैं. तो ओनली 3 बैंड्स आर प्रेजेंट. तो ये इसके मोटे मोटे मेन डिफरेंस होते हैं मेल और फीमेल ड्रोसोफिला के अंदर. हम अभी स्टडी करेंगे कल्चर ऑफ ड्रोसोफिला. कल्चर ऑफ ड्रोसोफिला के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम ड्रोसोफिला का संवर्धन तैयार कर सकते हैं. ड्रोसोफिला का संवर्धन तैयार करने के लिए एक्चुअली होता क्या है कि हम आप मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मक्खी होती है ये सड़े गले फलों के ऊपर पाई जाती है. अब इन मक्खी को हम लेबोरेटरी के अंदर लेके आएंगे और यहाँ पर हम लेबोरेटरी के अंदर इनको कैसे रखें, ये तो मर जाएंगे, लाएंगे और मर जाएंगे. तो हम एक इनका खाना तैयार करते हैं, संवर्धन तैयार करते हैं, जिसमें ये खाना खा के और आगे डेवलप हो जाए, इनकी लाइफ साइकिल आगे चले. तो इसके लिए हमें इनका संवर्धन कल्चर प्रिपेयर करना पड़ता है लेबोरेटरी के अंदर. और ये लैब के अंदर जो संवर्धन तैयार होता है, ये इसके बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग प्रकार से ये संवर्धन तैयार किया जाता है. जो बहुत कॉमन तरीके हैं एक दो, जो कि हमने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया था, मैं आज आपको उसको डिस्कस करूँगी. इस एक्सपेरिमेंट को आपको फाइल में नोट करना है, जिसके अंदर आपको लिखना है उद्देश्य के बारे में लिखना है, ड्रोसोफिला का संवर्धन तैयार करना, ठीक है. इसके अंदर कुछ सामान आपको, इसके अंदर आपको लिखना है मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या होता है. आप लिखेंगे इसके अंदर बीकर है, बॉटल है, जो भी सामान आप लेते हैं, केला ले रहे हैं या मेज फ्लोर ले रहे हैं, वो आपको इसमें लिखना है. इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको नोट करना है. अच्छा, उसके बाद हमको सबसे पहले ड्रोसोफिला सबसे पहले संवर्धन हेतु ड्रोसोफिला की प्राप्ति, हम उसको कलेक्ट करके लेके आएंगे ड्रोसोफिला. फिर हम लिखेंगे ड्रोसोफिला के लिए आवश्यक सामग्री. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कांच की 250 और 500 सेंटीमीटर की बोतल, ढक्कन, डार्ट लगे हुए, रुई होनी चाहिए, भोजन पदार्थ के लिए स्टॉक बॉटल, विभिन्न साइन की पैटर डिश, वॉच ग्लास, कैविटी स्लाइड्स, कवर स्लिप्स, स्पीकर, पिपेट्स, माप के लिए जार, बर्नर, इथर के लिए फनल, और ब्रश चाहिए, निडल चाहिए, कांच की पर लिखने वाली वैक्स पेंसिल होनी चाहिए आपके पास,
और हैंड लेंस होना चाहिए, इंक्यूबेटर होना चाहिए, तुला आपके पास, वेइंग स्केल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले चाहिए कि कल्चर बनाने से पहले। कल्चर जो हम बनाएंगे ड्रोसोफिला का, वो हम तीन, दो प्रकार मैंने इस पे लिखे हैं, एक तो कॉर्न और अगर ईस्ट के माध्यम से, और दूसरा हम केला अगर माध्यम से। अगर हम कॉर्न अगर ईस्ट माध्यम से बना रहे हैं तो इसके लिए एक बड़े कटोरे में 300 ml जल में सबसे पहले 10 मिलीलीटर जिलेटिन, जिसको कि हम अगर कहते हैं, वो मिलाते हैं। 450 ml जल में 65 ग्राम अपरिष्कृत या देसी खांड ना जो होती है, वो 75 ग्राम मकई का आटा, वो 11 ग्राम खमीर पाउडर, ईस्ट जिसको बोलते हैं, वो उबालते हैं। इसे लगातार हिलाते रहिए। इन दोनों विलयन को मिलाने के बाद इसमें 2 मिलीलीटर प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एक्चुअली प्रिजर्वेटिव होता है, जिससे कि वो जो हम बना रहे हैं कल्चर वो ख़राब नहीं हुए, और इसको हम बोतल ठंडा करके बोतल में भर देते हैं। उसके बाद अगर हम अगर से केले से बना रहे हैं तो एक कटोरे में 10 ग्राम अगर पाउडर और 15 सीसी जल में घोलते हैं। उस केले का पिसा हुआ 150 ग्राम लेकर इस कटोरे में डालकर हिलाते हैं, वह गर्म करते हैं। इस गाढ़े घोल में 2 सीसी टैगोसेप्ट विलयन डालते हैं, ये भी, दिस इज ऑल्सो ए प्रिजर्वेटिव जो कि हम केले और अगर माध्यम से बनाए हुए संवर्धन के अंदर ऐड करते हैं। तो ये दो तरीके हैं, आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से संवर्धन को लेबोरेटरी के अंदर तैयार करेंगे, और उसके बाद जो आप मक्खियां, फल मक्खी पकड़ के लाए हुए बॉटल में रखी हुई, उनको इसके अंदर स्थानांतरित करेंगे, इसमें डाल देंगे, और उसके ऊपर या तो आप रुई का प्लग लगा देंगे या उसको कॉटन के कपड़े से, सूती कपड़े से उस ढक्कन को बांध देंगे, जिससे कि ऑक्सीजन उनको मिलती रहे, एयर का सप्लाई उसके अंदर प्रॉपर रहे। ये देखिए, ये कल्चर का जार है, हम लेबोरेटरी के अंदर ही ऊपर रुई लगी हुई है, ये जार है, इसके अंदर ये नीचे फूड है जो हमने कल्चर बनाया है, ठीक है। और ये इसके अंदर आप देखिए किस प्रकार से वाइट कलर के लार्वा और प्यूपा, ये प्यूपा इसके ऊपर चिपक गए हैं, ये कॉटन स्टॉपर है, ये देखिए, दिस इज अ नाइस जार। इस प्रकार से हम जार लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं, या फिर हम ये छोटे जार होते हैं इनको भी हम रख सकते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा कल्चर डाल के, थोड़ी सी फ्लाई करके, और ऐसे बहुत सारे जार के अंदर हम ये कॉटन है लगी हुई ऊपर, और ये कल्चर को प्रिपेयर करते हैं हम। अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि फल मक्खी को ही क्यों कर रहे हैं हम, इसी की स्टडी क्यों कर रहे हैं हम, दूसरी मक्खियाँ क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि बहुत छोटी होती हैं, ईजिली हैंडल हो जाती हैं। दूसरी बात ये कि इसको हम जैसे ईथर या एनेस्थीसिया देते हैं, ये इमीडिएटली बेहोश हो जाती हैं। इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, 10 दिन की होती है। फीमेल के अंदर इनमें एगलिंग कैपेसिटी बहुत होती है, जिसको हम बोलते हैं फैगनडिटी, वो 100 अंडे एक दिन में दे देती है और 2000 एग लाइफ टाइम के अंदर देती है। मेल और फीमेल जो होते हैं उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर पोलिटिन क्रोमोसोम्स होते हैं, जो जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी के लिए। केवल 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें से 3 पेयर ऑटोसोम है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोस है, तो इनको इजीली स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके अंदर केवल 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसका डेवलपमेंट जो है, मतलब एग से लेकर एडल्ट तक, बहुत ईजी है स्टडी करना। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी जीन की सीक्वेंस जो है वो अभी तक स्टडी हो चुकी है, इवन पब्लिश भी हो चुकी है 2000 के अंदर। सो दीज आर द वेरियस रीजंस जिसकी वजह से हम इनको अपनी लेबोरेटरी के अंदर जेनेटिक्स के लिए काम में लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट संवर्धन ऑफ ड्रोसोफिला। थैंक यू।